और सुनाइए, क्या चल रहा है जीवन में? उम्मीद है आप लोग पिछला 2 वीडियो का प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे आप सब लोग। तो हमारा एप्लीकेशन जो है इतना तक काम कर रहा था, इसका डिजाइन थोड़ा सा ही बॉर्डर बॉर्डर मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं मिस हो गया मेरे से जो है। तो मैं क्या करूँगा कि इस बीटियन में ना थोड़ा सा मार्जिन दे दें क्या? रेडियस 50% को पिक्सल बना दें। पिक्सल बनाने से नहीं होगा, इसमें मार्जिन जो है मैं 1 दे देता हूँ, जरूरत पड़ेगा तो ज्यादा भी दे दूंगा। इस पे करो राइट क्लिक, ठीक है, और फिर क्या करो, यहाँ पे आ जाओ आप। किधर गया? ये है BTN कलर, ये है बटन, में हमने क्लास वैल्यू दिया है तो ये बटन है। ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, रीलोड ठीक से नहीं हुआ था शायद, ठीक है। तो अब जो है इसके किनारे किनारे दिखने लगा जो है थोड़ा। अगर 2 मार्जिन कर दें तो क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा मार्जिन बढ़ जाएगा, और क्या, ठीक है। तो हमने मार्जिन दे दिया इसमें जो है, ठीक है, वही रहने देता हूँ इसको। तो ये ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग ओपन हो, और सेव पे क्लिक करें तो सेव हो जाना चाहिए सारा डेटा, ठीक है। चलिए जी, तो कोड लिखना शुरू कर देते हैं हम। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जब हो जाए तब क्या हो कि सबमिट बटन कहाँ है मेरा? कंटेनर मॉडल BTN, ये तो मॉडल है। इस डिव को मैं फोल्ड करूंगा, ठीक है, और ये सबमिट बटन है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ठो क्लास दे दूंगा सेव नाम से, ठीक है, सेव बटन है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा कि बटन पे क्यों मैं इवेंट करूँ, फॉर्म पे ही मैं इवेंट करता हूँ सीधा। किधर गया मेरा फॉर्म टैग? ये है मेरा फॉर्म टैग। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑन सबमिट, ठीक है, और यहाँ पे ही मैं से नहीं देने का क्लास दे दूंगा, क्लास दे दूंगा MyForm, MyForm दे दिया क्लास। कई तरीके हैं कोड लिखने के, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रेडी जब हो जाए तब क्या करो। MyForm मैंने क्लास दिया ना, क्या दिया मुझे पता ही नहीं, क्लास ही दिया मैंने, ठीक है। तो आ जाऊंगा नीचे, यहाँ पे आऊंगा, डॉट क्लास सेलेक्ट हो जाएगा, माई फॉर्म करा, डॉट ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, और इस पे क्या कर दूंगा मैं, ऐसे कर दूंगा कॉल, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट पास कर देता हूँ, डन, देखते हैं काम करता है कि नहीं। इस पे क्लिक किया, क्लिक किया, मजा नहीं आया। सबसे पहला तो फॉर्म रिलोड हो जा रहा है, फॉर्म रिलोड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ई लिखूंगा मैं, और यहाँ पे ई डॉट प्री
कारण फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। जैसे सबमिट हम फॉर्म करते हैं तो पेज रिलोड कर देते हैं, एक्शन चल जाता है, तो नहीं चलना चाहिए, मैंने इसलिए ऐसा कर दिया। अब मैं सेव करूंगा, क्यों चल गया भाई, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करा है क्या? कोई बात नहीं, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और इधर देख लिया करेंगे क्या प्रॉब्लम है। ऑन सबमिट नॉट अ फंक्शन ऑफ, कोई बात नहीं, आप इसमें इस तरह से भी दे सकते हैं ऐसे, अब तो काम करेगा ही। मुझे डाउट भी था, क्लिक किया, डन आ गया, फॉर्म रिलोड नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऑन क्लिक पे भी कॉल कर सकते हैं आप, ऑन लिख करके यहाँ सबमिट लिख देंगे तो ये जेक्वेरी का सिंटैक्स है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एजेक्स कॉल कर देना है। ठीक है, अब हमें प्रिवेंट करा, अब यहाँ से मुझे एजेक्स कॉल करना है। मैं क्या चाहता हूँ कि सबमिट हो जाए, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाए, लेकिन फॉर्म रिलोड ना हो, हम एजेक्स टेक्नोलॉजी की मदद से डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो क्या करूँगा मैं, $.ajax करूँगा, कॉमा दूंगा, यहाँ पे ये लगाऊंगा और यहाँ पे करूँगा मीटर। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है जो कि एजेक्स फंक्शन जेसन में लेता है। ठीक है, तो पास करूँगा, तो यहाँ पे क्या क्या लेगा, यहाँ पे लेगा मेथड, मेथड में दे दूंगा, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए पोस्ट दे दूंगा, कॉमा, फिर इसको URL चाहिए, URL, तो यहाँ पे क्या दे दूंगा मैं, URL में है, मान लीजिए कि ये स्टूडेंट का फॉर्म है। ठीक है, तो मैं दे दूंगा स्टूडेंट URL में। ठीक है, और फिर URL दे दिया, अब यहाँ पे मुझे डेटा भी तो भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं डेटा भेज दूंगा न्यू फॉर्म डेटा API के मदद से, और इसमें पास कर दूंगा दिस। ठीक, यहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा मैंने नहीं दिया, तो ये जो इवेंट है, ठीक है, सबमिट इवेंट फॉर्म पे लगाया है मैंने, इसलिए यहाँ पे दिस पास कर दिया, तो दिस का मतलब कि यहाँ पे फॉर्म पास हो जाएगा। और ये फॉर्म डेटा जो है API है JavaScript का, आप JavaScript जानते हैं तो इसको जानते होंगे, सर्वर से डेटा ले जाएगा। यहाँ पे सीरियलाइज वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कई टेक्निक है, मैं फॉर्म डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, सीरियलाइज वगैरह से टेक्स्ट डेटा जाता है, फोटो तो जाएगा, तो इसलिए मैं फोटो भी कभी अपलोड करूँगा इसमें, तो ये कर दूंगा। अब इसके बाद में क्या करूँगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देंगे, तो सर्वर पे जाएगा, इस URL का रिक्वेस्ट करेगा, और फिर क्या होगा, ये डेटा जो भी फॉर्म में डेटा है ये सारा डेटा चला जाएगा सर्वर पे। सर्वर पे सक्सेसफुली जब सारा काम हो गया, तो ये सक्सेस फंक्शन जो है, इवेंट जो है, सक्सेस फंक्शन, सक्सेस जो इवेंट है, इसके अंदर जो फंक्शन है ये एक चल जाएगा, और नहीं चला, कुछ एरर आता है, तो ERR इसके अंदर जो है ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। यहाँ ERR पास कर देता हूँ, ये मैं रिस्पॉन्स सर्वर से आएगा। ठीक है, सर्वर क्या रिस्पॉन्स दिया वो इसमें रिसीव हो गया, तो मैंने रिस लिख दिया, राइट, कंसोल डॉट लॉग करा, एरर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, कंसोल कर दिया मैं। अब सर्वर पे रिक्वेस्ट करना है, तो सर्वर साइड पे भी हमें काम करना पड़ेगा, तो सर्वर साइड काम करने के लिए हमें, चल रहा है ये क्या, सर्वर साइड पे भी कोड लिखना पड़ेगा, तो सर्वर साइड पे कोड लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, कुछ सर्वलेट लूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वो स्टैंडर्ड डिजाइन पैटर्न के साथ बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ पैकेज बनाऊंगा, तो यहाँ पे एक पैकेज बना लेता हूँ, फॉर्म डॉट
क्रड, ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है, क्रड डॉट डेटाबेस। यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन के रिलेटेड हमारा काम होगा, तो इसलिए मैं एक लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और पैकेज बनाऊंगा मैं, कॉम डॉट क्रड डॉट सर्वलेट, इसके अंदर सारा मैं सर्वलेट रखूंगा, ठीक है। फिर सर्वलेट के अंदर आऊंगा, यहाँ पे जो है क्लास बनाऊंगा, नहीं 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 क्लास नहीं लेना है मेरे को, मेरे को सर्वलेट लेना है। तो यहाँ पे आऊंगा न्यू, यहाँ पे सर्वलेट लिखा हुआ है, यहाँ सर्वलेट लिया, ठीक है, ओपन होगा। यहाँ पे पैकेज का नाम अपने आप आ ही गया है, यहाँ पे क्लास का नाम ले लूंगा मैं स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट के रिलेटेड काम करूंगा मैं। ईमेल किया, ये है यूआरएल मैपिंग। अब यहाँ पे वही यूआरएल होना चाहिए जो यूआरएल आपने कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक। तो यू क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, पर यूआरएल का नाम कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं स्मॉल कर देता हूँ, नेक्स्ट करूँगा। डुगेट का जरूरत है, पोस्ट का जरूरत है, डिलीट भी ले ही लेते हैं, फिनिश कर दूंगा मैं। हमारा सर्वलेट बन के रेडी हो गया, यूआरएल यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसे ऐसे आ गया, ठीक है। तो आप सर्वलेट जो है इस तरह से बना लेंगे, राइट। अब इन कमेंट को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर दूंगा, इन सब हटा दूंगा। अब हमने एजेक्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एजेक्स के अंदर पोस्ट लिखा है तो चलेगा डू पोस्ट मेथड, और गेट लिखा है तो चलेगा डू गेट मेथड। तो हमने पोस्ट लिखा है, पोस्ट लिखा है तो ये पोस्ट वाला मेथड चलेगा, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ और फिर यहाँ पे क्या लिख दूँ, हमें दिखाना है ब्राउजर पे आउटपुट। तो ब्राउजर पे आउटपुट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, इससे हमें प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसको हम PRINT प्रिंट राइटर, ठीक है, यहाँ पे अपने आप प्रिंट राइटर आ गया। प्रिंट राइटर को मैंने आउट नाम के वेरिएबल में रख लिया ऐसे, ठीक। अब इस आउट में प्रिंट में लिखूंगा और यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, हेलो, ठीक है, तो जो है hello, तो ये जो है ब्राउजर में दिखाई देने लगेगा, ठीक। तो अभी मैं क्या करूंगा, पन्ने को जो है सेव कर दिया, सर्वलेट वाले पन्ने को। फिर आता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, और अब जैसे सबमिट बटन दबाऊंगा तो रिस्पॉन्स आएगा, मेथड कौन सा कॉल होगा, मेथड सर्वलेट का ये डू पोस्ट मेथड कॉल होगा और हेलो प्रिंट हो जाएगा। हेलो प्रिंट हो जाएगा तो हम मान लेंगे हमारा सक्सेसफुल जो है एजेक्स कॉल हुआ और मैंने ब्राउजर के कंसोल में आउटपुट दिखाया है। चलिए रन करते हैं इसे, मैंने तो पहले से इधर रन कर रखा है, रीलोड किया, कंसोल पे देखते हैं, कुछ समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है कंसोल पे। अब क्या करेंगे, इस पे आया मैं, यहाँ पे कर दिया सेव पे क्लिक। ये क्या कर रहा है, इन लीगल एवोकेस, इनवोकेस, मैंने ये जान बूझ करके छोड़ा था जो है, क्यों छोड़ा था मैं बता रहा हूँ आपको। अब इन लीगल इनवोकेशन आएगा ही, ठीक है, मिनिमाइज करूंगा, ऐसा क्यों हो गया, हैंग कर गया क्या मेरा सिस्टम, ये वाला है मेरा, ठीक है, क्यों आ रहा है इनलीगल। जैसे ही फॉर्म डेटा एपीआई के साथ आप सेंड करते हैं तो फॉर्म डॉट मल्टी पार्ट का ये रिक्वेस्ट करता है, तो हमें यहाँ पे दो लाइन और लिखना पड़ेगा, क्या लाइन, प्रोसेस
डेटा इक्वल टू फाल्स। अब इसके आप कॉम्प आपको आता है जेक्वेरी जावा स्क्रिप्ट वगैरह तो आप समझ रहे होंगे इसका मतलब, और नहीं आता तो आप ऐसे कॉपी कर दो यार अभी। और यहाँ पे कंटेंट टाइप इसको भी क्या कर दो फाल्स, ठीक। इतना जैसे ही आप कर देंगे आपका काम जो है हो जाएगा, डेटा अभी भी गेट नहीं होगा। ये देखिए स्टेट क्या आ गया 404, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया, ये 404 से क्या मतलब है, 404 से मतलब है कि ये URL नहीं मिल रहा है। तो ये एरर का मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, इस URL को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ऐसे टेस्ट करेंगे, ठीक। स्टूडेंट एंटर किया, ये अभी भी आ रहा है 404, ठीक। मतलब ये है कि हमारा ये URL पैटर्न जो है नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसका यही मतलब है। इसको मैं कट कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, सर्वर को बंद कर दूंगा और फिर से क्या करूँगा, सर्वर को स्टार्ट कर दूंगा, तब फिर वो 404 का एरर चला जाएगा। ये देखिए आ गया, तो इसको मैं कट करूंगा। अब आइए आप कंसोल में, यहाँ पे गायब कर दूंगा। अब सबमिट पे क्लिक करूंगा, हेलो आ गया, मतलब सर्वर रिस्पॉन्स हमें दे दिया, ये वाला हेलो प्रिंट हो गया। अब हम यहाँ पे जो भी चाहे बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं, ठीक। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो नेम वाले में है, ठीक है, इसी नेम से हम क्या करेंगे, डेटा गेट कर पाएंगे यहाँ सर्वर साइड पे, ठीक। तो मैं कैसे करूंगा, strING स्ट्रिंग में लिखूंगा नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर्स, और फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगा नेम, ठीक है, और फिर यहाँ इसी को out.print प्रिंट नेम प्रॉपर्टी को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अब फिर से मैं क्या करूँगा, ये सर्वर पे आऊँगा यहाँ पे और एजेक्स का कॉल करूँगा, देखते हैं नेम प्रिंट होता है कि नहीं। नल आ गया, मुझे इसी चीज का एक्सपेक्टेशन था, तो नल आ गया। जब भी आप सर्वलेट में फॉर्म API जावा स्क्रिप्ट का, आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, यहाँ पे फॉर्म API के माध्यम से जब भी डेटा सेंड करें सर्वलेट में, तो आपको एक एनोटेशन देना पड़ेगा मल्टी कॉन्फिग, ये एनोटेशन आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे नल आएगा, ठीक। अब इसको मैं क्लीन करता हूँ, थोड़ी देर वेट करते हैं रिलोड होता है या नहीं। अब जैसे ये रिलोड हो गया तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, कर दूंगा क्लिक, तो ये ब्लैंक आ रहा है, क्यों, नाम कुछ लिखा तो नहीं है ना हमने, चलिए जी लिखा आ गया नाम, ठीक। तो इसी तरह से मोबाइल और ईमेल भी मैं गेट कर लूंगा, ठीक है। सारा, अब मैं क्या करूंगा, स्पेस दूंगा और कॉन्कैटिनेट कर दूंगा इस तरह से ईमेल,
ठीक है। क्या मैं लिख रहा हूं, यहां पे भी प्लस का साइन देना पड़ेगा। सेव कर दिया। अब देखते हैं हमारा कंसोल में आता है या नहीं आउटपुट। रिलोड हो गया। यहाँ पे आऊंगा, मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल दूंगा, ईमेल में भी मैं कुछ भी डाल दूंगा। सेव पे क्लिक करा, आ गया मेरा सारा डेटा। तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए। एजेक्स के माध्यम से हमारा डेटा जो है सर्वलेट तक आ चुका है। ठीक, ड्यूरेशन में देखता हूँ, 21 मिनट हो चुका है। अब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने का जो लॉजिक है सारा, वो करेंगे हम अगले पार्ट में।